सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 228 पदों को संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में जुड़वाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना एवं आमरण अनशन। ये डेस्टिनी बन गई है उत्तराखंड के बच्चों की कि जिस सरकार को वो चुनते हैं, जिनकी बातों में वो आते हैं और बड़े बड़े धर्म के नाम पे एक दूसरे से नफरत करते हैं, उसके बाद आके सड़कों पे बैठ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम बच्चे हैं जो नारे लगा रहे हैं, आज इरिगेशन 1st को शुरू करिए। इस सरकार को सिर्फ तब सुनाई देता है जब नंबर इनको दिखाई देता है। नंबर 228 है, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है ना, छोटा नंबर है। सरकार तो आप नहीं चुनी है, धर्म के नाम पर बट गए, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर बट गए और वोट इनको दे दिया और आप सड़कों पे आए। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में सड़क का मुंह देखा नहीं, कभी नहीं देखा, अपने साथियों को भी नहीं देखा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे जरूरत नहीं पड़ी होगी, ये भी दिमाग में आ गया होगा एकदम से जैसे ही बोला, ऐसा नहीं होता बेटा। सड़क पे तो हर एक को बैठना पड़ रहा है आज, वो कहीं से भी आ रहा हो, मगर मेरे किसी साथी ने मेरी पूरी जिंदगी में सड़क पर बैठकर नौकरी नहीं मांगी। और तब देश गरीब का तो जैसा क्या हो गया है, क्या आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है? ये जो 228 पद है जिनकी आप मांग कर रहे हैं कि 2021 की परीक्षा में जोड़ दिए जाए, वो क्यों है? कहीं ना कहीं कोई मजबूरी तो है, कहीं ना कोई मजबूरी है। कौन बताएगा? आप बताएंगे कि क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर, क्यों बैठे हैं और क्या है आपकी मांग? कौन बताएगा? आप बताओगी? बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? अंबिका। अंबिका कहाँ से आई हो? देहरादून से। देवभूमि में अंबिका नाम है और सड़क पे बैठा दिया गया इस सरकार के द्वारा, क्यों? मैम अभी 2021 सितंबर में हमारा एग्जाम जो यूपीपीएससी हरिद्वार करवाता है कनिष्ठ अभियंता सिविल का, अभी 2021 में जो हमारी विज्ञप्ति निकली थी नवंबर में, उसमें से हमारे इरिगेशन 228 पोस्ट पद, आराम से 2021 में आप कह रहे हैं ये 228 पदों को जोड़ दिया जाए, ये 228 पद क्या है? मैम सितंबर में हमारा जब अध्याचन शासन को भेजा जाता है तो उसमें से उसमें विभिन्न पद ऐड थे, इरिगेशन उसमें इरिगेशन के 228 पद भी ऐड थे, कनिष्ठ अभियंता के, पीडब्ल्यूडी के पद भी थे, पंचायती राज के भी थे, विभिन्न विभाग के पद उसमें ऐड किए जाते हैं। लेकिन नवंबर 2021 में एक दिन विज्ञप्ति से एक दिन पूर्व इरिगेशन के 228 पद रद्द कर दिए जाते हैं। तो मैम हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है सरकार से, जो हमारे पद हटा दिए गए हैं वो कृपया करके ऐड कर दिए जाएं। हमारा एग्जाम हो चुका है, हमारा रिजल्ट आ चुका है, हमारी इंटरव्यू की डेट भी टेंटेटिव दे दी गई है, दिसंबर से हमारे इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, हमारे प्रिपरेशन का टाइम है। लेकिन हमको आज सातवां दिन हमारा शुरू हो गया है, हम अभी यहाँ पे बैठ के सड़कों में धरना दे रहे हैं, हमारे तैयारी करने का टाइम है। हमने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी सरकार से कि एक युवा मुख्यमंत्री होने के बावजूद हमको इस तरीके से सड़कों पर बैठना पड़ेगा। अपनी मांगों के लिए हमें डेली यहाँ पर आना पड़ रहा है, हमें सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। हमारे मैम टाइम जा रहा है, हमारे टाइम की वैल्यू है, जैसे हर किसी के अपने टाइम की वैल्यू होती है, हमारी भी अपने टाइम की वैल्यू है। लेकिन इस तरीके से हम कभी उम्मीद नहीं की थी हमें सरकार से कि हमें भी सड़कों पर आकर बैठना पड़ेगा अपने हक के लिए। आकर बैठना पड़ेगा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग सड़कों पे बैठे हैं
और ये 228 पद आपके एग्जाम देने के बाद हटाए गए हैं, ये कैसे हो सकता है? सरकार जाना झूठे वादे हो रखे मैम, नहीं झूठे वादे हो रखे आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, झूठे वादों को माना भी आप लोगों ने, अब मानोगे इन झूठे वादों को? धर्म के नाम पे बटोगे? कभी भी धर्म के नाम पे नफरत करोगे? अपने अधिकारों के लिए आज लड़ रहे हो, क्या दूसरे धर्म के व्यक्ति को अधिकार नहीं है वही जो आपके अधिकार है? और जिसके लिए आज लड़ रहे हो क्या लड़ना पड़ता अगर संगठित होते? बिल्कुल लड़ना पड़ता है। और अगर संगठित होते तो क्या लड़ रहे होते आज? बिल्कुल नहीं लड़ रहे होते, अभी भी धर्म के नाम पे लड़ोगे? अरे केदार बाबा के पीछे मालूम है कि हिमस्खलन हो गया है, एवलांश आ गया है, मालूम है? तो ये धर्म को बचाने वाली सरकार नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये बताओ क्या आप क्या कहना चाहते हो सरकार से? हमारे यही मांग है सरकार से, ये जो हमारे सिंचाई विभाग में 228 पद है, इसे दो हजार इक्कीस में नवंबर में हमारी विज्ञापन निकली थी लोक सेवा आयोग से, जूनियर कनिष्ठ अभियंता, उसमें ऐड किया जाए इस पदों को, और 228 पद है हमारे और काफी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इसीलिए हम इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने और कोई भी एग्जाम दिया? हमारा एग्जाम अभी क्लियर हो चुके, सारे क्लियर करे हुए बच्चे है, इंटरव्यू कॉल आ रखी है सबके लिए। अच्छा सबकी इंटरव्यू कॉल है? आप कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे? लेकिन कितने बच्चों को बुलाया इंटरव्यू? 3200 को इंटरव्यू बुलाया। हाँ बताओ, आप बताओ। एक्चुअली मैम ये लास्ट विज्ञप्ति आती है, ये कनिष्ठ अभियंता सिविल की विज्ञप्ति होती है जिसमें कि सभी विभागों में जेई भरे जाते हैं, ठीक है? ये आखिरी बार निकलती है 2015 में। हम आंदोलन करते हैं 6 साल तक मैम, 6 साल तक हम लगातार आंदोलन करती है, आखिरकार 2021 में सरकार की नींद खुलती है, वो एक रोस्टर तैयार करती है, 20 सितंबर 2021 को रोस्टर बन के जाता है सचिव लोक सेवा आयोग को कि आप इन पदों में विज्ञप्ति निकालिए। मैम इसमें सारे डिपार्टमेंट है, RWD है, PWD है, सिंचाई है, लघु सिंचाई, जितने भी जहाँ भी जेई की जरूरत पड़ती है, ये सिंचाई विभाग के। पर लेकिन मैम जैसी ये रोस्टर है जो अध्याचल भेजा, लेकिन मैम जैसी ही 17 तारीख को विज्ञापन निकलता है और हमें देखने को मिलता है इसमें सिंचाई विभाग की सिविल के 228 पद गायब है, केवल मैकेनिकल के पद रखे गए हैं। हमारे जो 228 पद भेजे थे मैम, ये वाले 228 पद जो भेजे थे, हाँ। ये पूरे लैप्स कर रखे इसमें। अच्छा लैप्स कर दिए इन्होंने, वो इंक्लूड ही नहीं करे, तो ये क्या किया है? ये मैकेनिकल के केवल 49 पद हैं जो नीचे दिखाए गए, और हमारे जो ऊपर वाले कनिष्ठ अभियंता सिविल है मैम, ये पूरे अच्छा ये वाले दिखा रहे हैं, ये वाले लघु सिंचाई विभाग? नहीं मैम, ये जो सिंचाई विभाग में दो है ना मैम, एक सिविल ब्रांच का है, एक मैकेनिकल ब्रांच का है, मैकेनिकल का तो निकाल देते हैं, लेकिन सिविल के ये 228 टोटल 228 पद हैं, ये पूरे गायब हो जाते हैं, विज्ञप्ति को हम देखने को मिलती है जो गायब है। फिर क्या किया आप लोग? फिर हम तत्काल जाते हैं अगले दिन महाराज जी के पास, क्योंकि उस टाइम मंत्री यही रहते हैं, महाराज जी बोलते हैं कि आपके लिए जितने भी पद आए हैं आप उसकी पढ़ाई कीजिए, हम इसको पेपर से पहले जितने जल्दी हो सके हम इसको ऐड करेंगे। मतलब ये कहा उन्होंने मैम? ये है उनका, महाराज जी के रिसीविंग है, महाराज जी लिखते हैं, सिंचाई सचिव सिंचाई को लिखते हैं, अध्याचन में हुई त्रुटि को वो करें अवगत करें। अब मतलब ठीक कर दो, त्रुटि हुई है ये भी मानते हैं, करो ये भी। उन्होंने खुद बोला कि इसमें कुछ त्रुटि है, आप तब तक पढ़ाई कीजिए, इसके तुरंत बाद हम पढ़ाई करो, तैयारी करो, बुलाया जाएगा। लेकिन फिर भी हम एक महीने बाद फिर जाते हैं मैम, फिर देखने को मिलता है ये मम्मी फिर जाते हैं, ये मई में जाते हैं, फिर 16 मई को फिर से जाते हैं महाराज जी के। महाराज जी कहते हैं उसको प्रमुख अभियंता सिंचाई को कि दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में आवश्यक कार्रवाई करें उसी संबंध में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर हम जाते हैं उनके पास, ये अब मैम असल में ऐसा हो रखा है, ये कहते हैं कि हमें जेई नहीं चाहिए। मैं सर अब मैं ये पूछना चाहता हूँ इनको, सर अगर आपको जेई नहीं चाहिए तो हमारे पास सिंचाई विभाग जो अभी स्ट्रक्चर है, हम वहाँ भी गए थे, प्रमुख अभियंता के पास हम गए थे, उन्होंने कहा था कि हमें जेई की जरूरत है, आप हमें जेई दीजिए। उन्होंने अपने लेटर हेड में बाकायदा लिख के देते हैं कि हमें जेई की जरूरत है, आप हमें जेई प्रोवाइड करिए। अच्छा हम इसके बाद फिर जाते हैं मुख्यमंत्री महोदय के पास, खुद ज्ञापन देने मुख्यमंत्री साहब बुलाते हैं, ज्ञापन देने बुलाते हैं, मुख्यमंत्री साहब की रिसीविंग करती भूपेंद्र सिंह बसेड़ा जी, उस टाइम वरिष्ठ निजी सचिव हैं, वो अभी भी हैं, वो भी करते हैं, वो कहते हैं कि आप एक काम करें इसको हम एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐड करवाते हैं। अभी तक मैम अब ये हो गया कम से कम 4-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक ना इस पर कोई ज्ञापन, ना कोई संबंध है, ना कोई सरकार की तरफ से कोई आ रहा है, ये कहते हैं कि बजट नहीं है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास बजट नहीं है तो 6 साल में आपने जो रोस्टर तैयार किया तो बजट देख के क्या होगा ना? 6 साल में ये 6 साल में हुई मैम ये तैयार, ये रोस्टर मतलब इसके पहले भर्तियां नहीं हुई 6 साल? 2015 में हुई थी फिर 21 में हुई है। तो क्या कहने का मतलब है कि 2015 से 2021 तक कोई रिटायर नहीं हुआ? ये रोस्टर कहते हैं कि रोस्टर मतलब जगह खाली नहीं हो रही थी, ये बकवास बता रहे हैं। हर वो तो हम समझ में नहीं आते ना, हर महीने रिटायर होते हैं, हर साल रिटायर होते हैं। अब ये कहते हैं कि हम पे
बितनी है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, पैसा बर्बाद करने के लिए जो होर्डिंग लगा रखे हैं सब है। मैं इनसे ये अगर आप बितनी था तो 6 साल में जो आपने रोस्टर तैयार किया, मैम कोई भी रोस्टर अगर तैयार होता तो आगामी उस कर्मचारी की 60 साल की निधि देखी जाती है कि ये 60 साल तक नौकरी करेगा तो उसमें कितना खर्चा आएगा, उसमें कितने विधि बैठेगी। तो मैम अगर आप टोटल अब उस टाइम आप 6 साल में ये रोस्टर तैयार करो, मैं तो बोलता हूँ अगर आप महीने में एक विभाग की भी रोस्टर तैयार करते हो तो मैम ये 6 विभाग है तो 6 साल होगी मैम, फिर भी ये कहते हैं बितनी है। आपको विधानसभा में एक कर्मचारी को 1-1 लाख वेतन देने के लिए बिता है और अपने रिश्तेदारों को, लेकिन हम पढ़ के बैठे मैम ये जितने बच्चे हैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड है, अभी हमारा दिसंबर में इंटरव्यू है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? डिप्लोमा है मैम, डिप्लोमा सिविल है, सिविल वाले हैं सभी का नाम इंटरव्यू के लिए आ रखा है, पेपर क्वालिफाइड करके 900 नंबर का पेपर दे के आ रखे, 4 पेपर क्वालिफाइड करके आ रखे, तब जाके इंटरव्यू के लिए नाम आ रखा है, सब बच्चों का नाम आ रखा है, यहाँ भी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसके इंटरव्यू का नाम नहीं। अब हमारा दिसंबर में इंटरव्यू, हम इसके लिए तो लड़े हैं, इंटरव्यू की तैयारी भी करें। इंटरव्यू किस चीज की? इन्हीं अब जो आगामी बाकी पद है। अच्छा, बाकी पदों के लिए इंटरव्यू? ये चाह रहे हैं कि इंटरव्यू जल्दी जल्दी करवाएं, इस पद को खत्म ही करवा दें। अच्छा, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया है 3200 बच्चों को, और जो भर्ती मतलब जो आप लोग जिसको फोकस कर रहे हो 2028 पद इन्होंने कम कर दिया है, बिल्कुल खत्म, वो चाह रहे हैं कि हम जल्दी इनका इंटरव्यू करवा के पद पूरे खत्म कर दें। तो अब आप क्या कर, आपका क्या प्लान है? हम अभी 6-7 दिन हमारा अभी कार्मिक अनशन, आज हमारा अमरन अनशन में बैठेंगे, आज से शुरू करेंगे। अरे भाई अमरन अनशन पे मत बैठो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी, मैं गलत नहीं बता रही हूँ। बेरोजगार, हमने पढ़ना था, हमारे लिए पेपर थे, हमारे इंटरव्यू, हमने पढ़ना था ना, लाइब्रेरी में बैठना था, कमरे में बैठना था, लेकिन यहाँ बैठने को मजबूर, रात में गुजरते हैं, रात में ही सोते हैं। जो कर रहे हो ठीक है ना, आमरण क्यों क्रमिक कर दो, क्या करना, अपनी जवानी ऐसी खराब करने से तो बढ़िया ही मरना है क्या? अरे कर सकते, अपने परिवार के लिए तो हो, अपने परिवार के लिए तो लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने बेहतर परिवार, हाँ तो अपनी जान देकर थोड़ी लड़ाई लड़ी, तब तो नींद जागेगी किसी की, तब तो जागेगी सरकार नहीं जागती। मैंने बहुत आंदोलन देखे, हमने इस संबंध में आंदोलन धरना हर जगह गए, सचिव मुख्य सचिव, ऐसे कौन से मंत्री, ऐसे कौन से, हम पे इनफैक्ट 40 विधायकों का समर्थन है कि आप इन पद को ऐड करिए, 40 विधायक इनके जो सत्ताधारी विधायक हैं, हम ये भी नहीं बोलते कांग्रेस के, सत्ताधारी विधायकों के, कांग्रेस के क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये सोचेंगे ना फिर राजनीति क्यों, अरे वो तो तुम्हारा दिखा रहे हैं, ये लोकतंत्र है, हमारे 40 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद ही हमें नहीं कर रहे ना, नहीं याद रखना UK SSSC में अगर इन्होंने काम किया तो भुवन कापड़ी ने इस मैटर को उठाया था, तो किया जी के पास हमारा कापड़ी जी अभी अपने क्षेत्र में जा रखे हैं, कापड़ी जी से लगातार बात होती है, डर क्यों रहे हो, कापड़ी जी ने कहा है कि जैसे मेरा क्षेत्र खत्म होगा मैं तुरंत यहाँ पे बैठूंगा, कापड़ी जी हमारी रोज का बात होती है, नहीं लेकिन ये बार बार डर के, मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, ये डर डर के हम लोगों को, ये चाहते हैं कि हम ये बोले कि भाई हम तो आपके 40 विधायक कह रहे हैं, विपक्ष के नहीं है, क्यों नहीं बोलेंगे हम, तुम तो लोकतंत्र में रहते हो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे बिल्कुल, सबको बोलना होगा, विपक्ष का धर्म होता है कि वो आपके साथ खड़े हो, अगर आप विपक्ष को ऐसे पीछे करोगे तो निश्चित तौर पे आपको सड़क पे ये रखेगी सरकार। आपने देखा UK SSSC में क्या हुआ बताओ, जैसे ही भुवन कापड़ी ने इस मैटर को विधानसभा में उठाया सरकार पे कैसा दबाव आया, मुझे मालूम है, इस विषय में जब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के ऊपर केस किया था संतोष बडूनी ने, तब भी मैं आवाज उठा रही थी, उसके पहले भी, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे थे, जैसे ही मैटर जाता है विधानसभा में इनको काम करना पड़ता है, इनसे डरो मत, आवाज उठाओगे मैडम, हम भी नहीं तो ये मत बोलो ना कि 40 जन के विधायक है, मैं कुछ नहीं, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। धामी सरकार से मेरी मांग है कि ये बच्चे यहाँ पे अगर बैठे हैं तो आपका नुमाइंदा क्यों नहीं आ रहा यहाँ, और खबरदार अपने उस प्रवक्ता को भेजो इस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए, खबरदार। कोरोना वॉरियर्स के आंदोलन को खराब किया आपके उस प्रवक्ता ने। हमारे परसों क्योंकि हमने देखा सरकार की तरफ से कोई नहीं, हमने फिर भी लड़कियों को 5 लड़कियों को भेजा था मुख्यमंत्री आवास की, कोई तो हमारे पास नहीं, लेकिन लड़कियों तक की भी नहीं सुनी, लड़कियों गेट से बाहर ही भगा दिया,
जिंदाबाद जिंदाबाद। चेतावनी है मेरी, जिंदाबाद जिंदाबाद।